क्या हो गया? हमारे एक राइडर का गोप्रो गिर गया था, तो हम लोग यहाँ पे हॉल्ट लिए थे, अभी वो बांध रहे हैं वहाँ पे, जुगाड़ चालू है। पियू अभी हॉल्ट कहाँ लेना है? चाय पीना है यार। हा? चाय पीना है। आगे कहीं रखते हैं ना? कहाँ पे? कहीं भी दिखेगा ना। पियू तो ये ग्लेज बहुत सेक्सी है। हा? ग्लेज बहुत सेक्सी है। कहाँ पे चाय वाला? मुझे चाय पीना है यार, ब्रेकफास्ट नहीं है, मुझे भूख नहीं, मुझे चाय पीना है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम डॉक्टर दीपा यर। तो आज है संडे, तो हम जा रहे हैं एक छोटी नहीं बड़ी नहीं छोटी, आपको पता चलेगा, हम लोग जा रहे हैं दाबोसा वाटरफॉल। तो वो ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, बट ये सपोज इट इज वन डे की राइड है। और आज मेरे साथ है पूरी गैंग, उसमें है सबसे पहले डॉक्टर हेमंत, उनकी है कावासाकी 1000, फिर आते हैं स्वप्निल मात्रे, अब आ रही है उनकी अरे हाय हितेश अपनी पल्सर के साथ, ये साबरे भाई हैं अपने साथ, और है हमारे दो जो साइक्लिस्ट फ्रेंड हैं, वो है वीरल, वीरल की फ्रेंड उनके ममता एंड उनके एवेंजर पे, एंड ये है मेरा सबसे फेवरेट बड़ी पीयू प्रशांत, वो अपनी एफसे पे। सो अभी चलते हैं यहाँ से, हम लोग ये फाउंटेन होटल मिले, ये हम लोग का मीटिंग पॉइंट था, लेकिन तो अच्छा है, अभी टाइम चेक हुआ है 7 o'clock, मिलते 7 बज चुके हैं, 6 बजे का मिलने का वो टाइम था लेकिन 7 बजे है, तो फटाफट गियर अप होती हूँ और आपको बीच में मिलती हूँ फॉर चाय ब्रेक। आई जस्ट रीच दाबोसा वाटरफॉल एंड लोग तो बहुत हैं, ये तो हमारा एक ग्रुप है पूरा, एक बार देख के आ जाते हैं। अरे हाँ यार, यहाँ से व्यू ज्यादा अच्छा दिख रहा है, फुल एक नंबर। तो ये है दाबोसा वाटरफॉल एंड We are planning to go there. हम लोग में से एक या दो जन ही नीचे जाएंगे वहाँ तक, एंड बाकी सब लोग यहाँ चिल मारेंगे। नीचे से आवाज देता हूँ तेरे को। हाँ चले। अगर नजदीक है तो। चलो पता चले हम किचन में पहुँच रहे हैं। आप सब लोग यहाँ बैठ रहे हैं ना? दिख रहे हैं ना? ठीक है। चलो पियो। हाँ। बाय बाय। बाय। बाय ममता। बाय बाय बाय। बाय। आप भी नहीं आ रहे हो ना? आ रहे साबड़े इतना है ना? हाँ गुड। तो हम 4 जन जा रहे हैं, मस्ती है ना? एक्चुअली वो मस्ती नहीं है, हम लोग नीचे जा रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग को बताना है नज़दीक से वाटरफॉल क्या है कैसा है। तो
आप लोग के वजह से देखो, सो मच आई डू फॉर यू। इसी बात पे लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सिर्फ आप लोग को नज़दीक से व्यू देने के लिए मैं इतना दूर इतना रिस्क लेके जा रही हूँ। वहाँ नीचे जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, तो जाते हैं। एक पड़ाव पार किया है, बहुत टफ था। इट वॉज ब्रेक आ गया डबल लंच मेरी तरफ से। अभी ये और एक आखिरी पड़ाव पार करना है। इट्स वेरी टफ एक्चुअली, नॉट ईजी। इसके पहले भी मैंने लोहागढ़ ट्रैक किया है, वसेपुर किया है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। वेरी नाइस और इंटरेस्टिंग बताया है मैंने, डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। अगर वो किया है तो ये आपको शायद थोड़ा बहुत आसान लगेगा, वरना इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो वी रीच द वॉटरफॉल। सो गाइज, एट लास्ट आप लोग के लिए पहुंच गए हम नीचे पानी में। इट इज़ अ ट्रैक ऑफ हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर का ट्रैक है। हमें एग्जैक्टली 12 मिनट लगे वो ट्रैक आने के लिए। काफ़ी स्टीप है, बच्चे और सीनियर सिटीजन्स नॉट अलाउड क्योंकि इट्स नॉट सो सेफ रास्ता। बट आप वहाँ ऊपर जहाँ हमारे आधे दोस्त बैठे हैं वहाँ बैठ के आप मज़ा ले सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ आना इट्स वर्थ। मैंने चेंज करने के लिए कुछ लाया नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग इन वाटर। बाकी के लोग तो है, दे आर एंजॉइंग। सो मैं यहाँ बैठूँगी कुछ देर के लिए, थोड़ा सुकून। Thank you.
एक प्लान हुआ है कि सब लोग साथ में खड़े रह के एक बाइक का फोटो लेंगे। मामा जरा बाजू लावा, थोड़ा बाजू लावा, बस कौन लेगा अभी फोटो कौन लेगा चलो हाँ रुको रुको रुको, ऑन नहीं किया है, इंटरकॉम ऑन करो ना। उधर है क्या? अभी डायरेक्ट विल गो टू धाबा। ऑलमोस्ट एक बज गया है। यहाँ की ग्रीनरी अलग किस्म की ग्रीनरी है, एकदम फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट वाली ग्रीनरी। खाना वगैरह सब मुझे तो लगा था 3-3:30 बजेंगे, बट लेकिन खाना हो गया, जल्दी हो गया। एंड सो नाउ वी आर लिविंग फ्रॉम हियर, वो डायरेक्ट विल टेक अ हॉल्ट टू मुंबई। अभी आई डोंट नो, ये लोग बोल रहे हैं कि मुंबई में बारिश हो रही है, बट यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं। इफ़ यू कैन सी, सन है, पूरा फुल ऑन सन है। एंड दिस ढाबा इज वेरी गुड ढाबा, अगर आप ये साइड आते हो तो विशाल ढाबा, बेस्ट ढाबा। तो गुड क्वालिटी फूड एंड रेट आल्सो गुड, रिजनेबल। वेज है, नॉन वेज है, एग है, सब कुछ है। सो दाबोसा वाटरफॉल वॉज समवेयर अराउंड फ्रॉम मुंबई, इट इज़ ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पूरा हाईवे है। एंड 100 किलोमीटर के बाद जो 40 किलोमीटर का पैच आता है वो पूरा गाँव से है, गाँव एंड छोटे छोटे घाट से, मैंने आपको जैसा बताया। ओवरऑल द राइड वॉज गुड। तो अभी चलते हैं, फटाफट गियर अप होते हैं एंड निकलते हैं। जबरदस्त पूरा ट्रिप है, चुपचाप फोटो ही निकाला हम लोग ने, दोनों तो साइड में रह गया, पहले फिर भी डाल दिया नहीं सांवले, अगली बार हाँ ये ड्रोन लेके आने का। हाँ भारी मजा आया ना, लो इतना एक्साइटेड था, राइट करेगा ऐसा करेगा फोन को, क्यों और गया ये पहला दिन ही डाल दिया ना इसने अंदर, और 4 दिन तो खाली बैटरी सुखा रहा था। गोवा में जाके ड्रोन की बैटरी सुखा ना, फिर जाने टाइम बोला चलो गए रे, चलो गए। वाओ अरे ये ग्रीन कलर में इतने सारे वेरिएंट होते हैं, ये पता ही नहीं था। लाइट ग्रीन, फ्लोरोसेंट ग्रीन, येलोइश ग्रीन, हर शेड का ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है। थैंक गॉड देयर वाज नो बारिश। और ठीक है, उतनी हीट भी नहीं थी, लेकिन ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। ये देखो, धन्यवाद दाबोसाला आल्याबद्दल, मंडल आभारी। सो गाइस टाइम चेक 5 PM और हम लोग रुके हैं शुगर केन जूस के लिए, बिकॉज अभी भूख इतनी है कि चाय पीने का एक्चुअली प्लान था, लेकिन चाय पीना पॉसिबल नहीं है, उतरेगी नहीं गले के नीचे। तो हम लोग वी आर हैविंग शुगर केन जूस। अभी यहाँ से मुंबई आई थिंक 50 किलोमीटर रहेगा हार्डली। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई होप आप लोग ने मेरे साथ दाबोसा वाटरफॉल एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं एवरी थर्सडे एक ब्लॉग डालती हूँ, तो आपको उसका अपडेट प्लीज़।
डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टा एंड स्टे फिट स्टे हेल्दी लव यू बाय बाय.